धन्यवाद उपसभापति जी महोदय। ये एक विषय ऐसा है सर कि दिस नीड्स अ अटेंशन ऑफ द एंटायर कंट्री। वी स्पीक ऑफ द टैंजिबल हेरिटेज बट वी आर अनेबल टू थिंक ऑफ द इनटैंजिबल हेरिटेज विच हैज केप्ट अवर कंट्री इंटैक्ट डिस्पाइट सो मेनी अटैक्स। Our culture and traditions, civilizational values have remained intact. Especially, sir, I would like to mention the fine arts of dance and music, which are the USP of India in the world. Bharatiya parampara mein Shri Bhagwan Nataraj Shiv ko bahut mahatta di gayi hai sir. नया कन्वेंशन सेंटर जो बना है भव्य G20 के लिए और अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर भी 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई है। तो उनको नटराज कहते हैं, न नेताराज, न कविराज, न वैद्यराज, न गीतराज, नटराज। तो इसी में नाट्य में सर सभी विधाएं, सभी विज्ञान, सभी विद्याएं शामिल हैं और ये नाट्य शास्त्र से निकली हुई जो परंपराएं हैं जिसने भारत को सुनहरी सूत्र में बांध के रखा है, राइट फ्रॉम त्रिपुरा, मणिपुर, असम, अरुणाचल टू गुजरात, राजस्थान, डाउन टू कन्याकुमारी एंड कश्मीर, एंड दिस हैज टेकन इंडिया राउंड द वर्ल्ड सर। तो उसमें यदि यूएसपी में सोलो जो डांस है, एकल नृत्य जिसको हम तपस्या कहते हैं कि सर मैं भी उसी में ट्रेन हुई हूँ, 8-8 घंटे हम लोग रियाज करके सीख के 2-2.5 घंटे ऑडियंसिस को पूरे देश में, यानी पूरे देश में और 90 देशों में गई हूँ सर एज अ सोलो डांसर, तो ऑडियंस को पकड़ के रखते हैं। अब वो सारा ख़त्म हो रहा है सर, ग्रुप कोरियोग्राफीज हो रही हैं जैसे टीवी में बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं, लेकिन सर ये हमारी यूएसपी है। इसके लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए खास, 8 शास्त्रीय विधाएं जो हैं उनमें सोलो डांस तपस्या की पूरी वो होनी चाहिए, क्या कहें उसको, सीखना होना चाहिए सर। और इस ये यदि मर जाएगा, ये यदि क्षीण होता जाएगा, इफ़ वी अलाउ दिस टू डाई सर, अ ह्यूज पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज विल आल्सो डाई। मैं इतना ही मांग करती हूँ सरकार से कि 200, 500, 1500 कलाकार तो हैं, लेकिन एक कलाकार की जो तपस्या साधना, उसकी कला है सर, इस हमारे हेरिटेज को, हमारी धरोहर को हम मरने ना दें। और मुझे सरकारी इसमें मांग मैं कर रही हूँ कि सरकार हस्तक्षेप करें। और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी।